Good morning to all my dear students of class 2. Today I am here to teach you the chapter number 4 of the subject English grammar. So let's begin now. आज की क्लास में बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, समझेंगे और एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सम एनी. चैप्टर का नेम क्या है? सम एनी. सबसे पहले आप लोग आज की डेट यहाँ पे डालेंगे 29/7/2020. स्टार्ट करते हैं. Any is used to questions and in negative statements. ये यहाँ पे ये कह रहा है कि any शब्द का इस्तेमाल, ये जो आप any देख रहे हैं, any शब्द का इस्तेमाल हम उस स्टेटमेंट के बीच में करते हैं जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हों. क्वेश्चन पूछते हैं कैसे? हम पूछते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है. एक स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना रहेगा तो आपको पता चलता है ये क्वेश्चन है. बुक में भी कुछ सेंटेंसेस दिए रहते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना रहता है. क्वेश्चन मार्क मतलब ये, इससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन है. तो एनी का इस्तेमाल हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में करते हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट्स में करते हैं. अब समझिए नेगेटिव स्टेटमेंट्स क्या है. जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि हाउ आर यू, आपने मुझे जवाब दिया आई एम फाइन. आपने मुझे अच्छा जवाब दिया. मैंने पूछा आप कैसे हैं, आपने बोला मैं ठीक हूँ. तो ये आपका जवाब आया मेरे तरफ पॉजिटिवली, अच्छा जवाब, पॉजिटिव जवाब, ठीक है, सकारात्मक जवाब. पॉजिटिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक. अगर मैंने आपसे फिर से पूछा हाउ आर यू और आपने मुझे जवाब दिया आई एम नॉट फाइन, तो शब्द जैसे नो, नॉट, डोंट, इस तरीके के शब्द जब हमारे एक स्टेटमेंट में आते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक, ठीक है. तो एनी शब्द का इस्तेमाल हम कब करते हैं? क्वेश्चंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में. अब देखते हैं सम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. सम इज यूज्ड इन स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग थिंग्स और पर्सन वेयर क्वांटिटी और नंबर इज अनसर्टेन. सम हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमको किसी भी चीज़ की क्वांटिटी का अंदाज़ा ना हो. क्वांटिटी मतलब, मैं समझाती हूँ आप लोगों को कि क्वांटिटी का मतलब क्या होता है. अगर मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो आप बहुत आसानी से बता देंगे अगर आप उस क्लास में पढ़ते हैं. आपने बोला मेरी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं. लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा बताओ पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं या पूरे कंट्री में कितने बच्चे हैं, तो आप मुझे बता पाएंगे? नहीं. तो आपको उस क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं है. या जिन चीज़ों को हम नंबर में नहीं काउंट कर पाते हैं तो उसके लिए हम सम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो हम अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज नंबर ए, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सम और एनी. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें देखना है कि किस स्टेटमेंट में सम आएगा और कहाँ पे एनी आएगा. पहला स्टेटमेंट, आर देयर एनी स्टार्स इन द स्काई. मैंने यहाँ पे एनी क्यों भरा है? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहा है. मैंने अभी ऊपर आप लोगों को समझाया एनी कहाँ यूज होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए और क्वेश्चंस के लिए. तो हम यहाँ पे क्या भर दिया हम लोग ने? हमने यहाँ पे भर दिया एनी. यस देयर आर सम स्टार्स इन द स्काई. अब आसमान में तारे कितने हैं ये आप नहीं गिन सकते हो, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? सम. जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, सम हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जिसकी क्वांटिटी का सही अंदाजा हमें ना हो. नेक्स्ट, आर देयर डैश ग्रेप्स इन द प्लेट, क्वेश्चन मार्क. फिर से क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनी. आंसर बोला गया नो, देयर आरंट एनी ग्रेप्स इन द प्लेट. अब यहाँ पे नो बोल रहा है,
नो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या यूज करते हैं? एनी। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? एनी, सम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है। नेगेटिव सेंटेंसेस में नो, नॉट, डोंट, डज नॉट ऐसे शब्द आते हैं। थर्ड, इज देयर डैश इंक इन द इंक पॉट? फिर से क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनी। यस देयर इज सम इंक इन द इंक पॉट। इंक को आप गिन नहीं सकते हो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम। ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है, और हमें इंक का सही अंदाजा नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे सम। नंबर फोर, इज देयर डैश वाटर इन द टब? क्वेश्चन मार्क। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनी। यस देयर इज सम वाटर इन द टब। यस है, पॉजिटिव है। पानी को भी आप गिन के नहीं बता सकते हो, लीटर्स में नाप सकते हो लेकिन गिन के नहीं बता सकते, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सम। लास्ट, आर देयर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास? यस देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे? सम, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। क्विक रिवाइज कर लेते हैं। एनी शब्द का इस्तेमाल हम उन स्टेटमेंट्स में करते हैं जो स्टेटमेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, या जिस स्टेटमेंट्स के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, और जो स्टेटमेंट नेगेटिव में होते हैं। नेगेटिव मतलब नो, नॉट, डोंट ऐसा। और सम शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ या किसी भी इंसानों के क्वांटिटी का अंदाज़ा ना हो कि वो नंबर्स में कितने हों। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। ये पेज नंबर 13, चैप्टर 4 आप लोग अपने बुक में फिल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।